हेलो श्रीन, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। श्रीन, आज किस क्यों हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद निषेध परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार पुलिस मद निषेध का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है और इसी को लेकर हम लोग डेली रात्रि 8 बजे लाइव क्लासेस देख रहे हैं। तो आप सभी कैंड से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको जीके और जीएस के क्वेश्चन शामिल आएंगे और सारे क्वेश्चन वीवीआई हैं, जिसमें से आपको कम से कम 20 क्वेश्चन सही करके बताना है। अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। अगर 20 क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिहार पुलिस संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ दे सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के PDF को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फ्रेंड मेंशन किया गया, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था ये आपको बताना है। और देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था जो कि भारत पर आक्रमण किया था। वो था आपको मोहम्मद बिन कासिम, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ये आपको प्रथम मुस्लिम था जो कि भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, सूर्य की किरणें को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे आसानी से हल नहीं कर पाएंगे, बहुत कैंडिडेट को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे मिनट में याद किए होंगे कि इतने मिनट में जो सूर्य किरण है पृथ्वी पहुंच जाती है, लेकिन यहां से आपको क्या करना होगा, सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए, जो सूर्य किरण है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना होगा कि जो 8 मिनट है इसको आपको कन्वर्ट करना होगा सेकेंड में। ठीक है, जब आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा सेकेंड में तो आपको 496 और कुछ सेकेंड होगा, जो कि लगभग आप मान चल सकते हैं कि 500 सेकेंड। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि सूर्य की किरणें जो हैं पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लेती हैं, और जब आपको सेकेंड में सिर्फ पूछा जाएगा तो 500 सेकेंड आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और आपको याद होना चाहिए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंद्रमा की प्रकाश की गति है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो उसमें जो समय लगता है वो आपको 1 मिनट 22 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, मोहन जोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, और जब आप लूसेंट पढ़िएगा तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मोहन जोदाड़ो का जो अर्थ है ये है आपको माउंट ऑफ द डेड, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और इसे हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कभी कभी आंसर दिया होता है मृतकों का टीला, और इंग्लिश में बोले तो माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही मैंने आपको बताया था कि देखिए, आपको जो सभ्यता है या फिर कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता है, इसको आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि आखिरकार मैं किस बुक से पढ़ा रहा हूँ और आपके प्रैक्टिस के लिए कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है। तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जो कि मैं आप सभी कैंडिडेट को रिकमेंड करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और ये बेस्ट बुक आपके लिए क्यों है, मैं इसकी खासियत बताऊँ कि यहाँ पर देखिए, आपको टोटली सिलेबस के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस से देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और प्रीवियस ईयर के 3 आपको यहाँ पे शॉर्ट पेपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस बुक को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रहा इसका विशेष सूची, जो कि यहाँ पर देखिए
जो भी हाल ही में बिहार पुलिस मद निषेध का एग्जाम हुआ है उसका यहाँ पर सोल पेपर दिया गया है। साथ ही आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही बेस्ट है, तो जरूर इस बुक को बाय कीजिए। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है जो कि ये भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जो कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि आपको बताना है चारों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और जब आप बिहार पुलिस मद निषेध का या फिर बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। तो यहाँ बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ चारों कथनों को आपको पढ़ना होगा, इसके बाद आपको आंसर देना होगा। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं जो कि मेंशन किया गया है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, बिल्कुल सही है, यह ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता में जो कपास की खेती है बहुत अधिक होती है और सबसे पहले आपको वहीं पर कपास की खेती हुई थी, ठीक है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे गलत आंसर देने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा क्या मेंशन किया गया है, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे सी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे कि उन्होंने भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि थी, तो बिल्कुल ये राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। उन्हें भारत में रहने की इच्छा थी, ये भी बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि जो चीनी यात्री थे उन्हें बौद्ध धर्म में बहुत ही रुचि थी, ठीक है, इसीलिए वो भारत की यात्रा करना चाहते थे। तो यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही मैंने आपको कई बार बताया है कि देखिए बौद्ध धर्म को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आपको याद होना चाहिए कि चीनी यात्री जो फयान था हेनसान था, ये कब आए थे, किसके शासनकाल में आए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है, और मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, कौन वो बौद्ध साहित्य है, तो आप सभी कैंड जानते हैं कि जो त्रिपिटक है ये बौद्ध साहित्य है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, गुप्त काल में गुजरात बंगाल डक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन को अगर आपको याद नहीं है तो ऑप्शन के अनुसार भी हल कर सकते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी जो गुजरात है किसके लिए फेमस है, तो ये अभी वस्त्र उत्पादन के लिए या फिर वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उत्पादन, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है, यानी कि आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो झरना है वो कहाँ स्थित है, कनाडा में गुयाना में ऑस्ट्रेलिया में या फिर वेनेजुएला में। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा झरना है ये आपको वेनेजुएला में स्थित है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सबसे ऊंचाई वाला जो झरना है ये आपको एंजिल है, जिसकी ऊँचाई आपको 989 मीटर है, जो कि आप इसकी ऊंचाई को भी याद रख सकते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी जो झरना है कहाँ है, ये आपको वेनेजुएला में है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, भारत का सबसे संघ क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है, ये आपको बताना है, यानी कि कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश है जो कि क्षेत्र में आपको सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आपको कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपको अंडमान निकोबार, जो कि यहाँ से कौन सा इसका राइट आंसर सही होगा, तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके अनुसार जो है आपका ऑप्शन के अनुसार पांडिचेरी होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा है ये आपको अंडमान निकोबार है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार आपको पांडिचेरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों से ज़्यादा है पांडिचेरी का, ठीक है। यहाँ पे अंडमान निकोबार दिया नहीं गया है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया,
गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किसी एक वजह से होता है, यानी कि आपको बताना है कि जो गाजर का नारंगी रंग होता है वो किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैरोटीन के कारण होता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आप सभी के इनको मालूम होगा कि विटामिन ए जो है गाजर में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया आलू क्या है, आलू क्या है ये आपको बताना है, जड़ है, कली है, फल है। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जड़ पर क्लिक कर देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो जड़ है ये आपको एक तना है, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर ऑप्शन में तो तना दिया नहीं गया है, तो मैं बता दूँ कि जहाँ पर डंठल दिया गया है इसे हम लोग तना भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको तना या फिर इसको भी याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी घुमाकर आंसर आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो तना कहीं हम लोग इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया केले की झाई पौधों की एक बीमारी है, यह किसके कारण होता है ये आपको बताना है। बैक्टीरिया, कीट या फिर कवक। तो ये आपको कवक के द्वारा होता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया अक्टी गम मेजिटम को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है। तो आप सभी क्या जानते हैं कि हम लोग निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नाम पूछा गया है जो कि आपने कभी सुना नहीं होगा या फिर कभी पढ़ा नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन आप सभी कैंड के मन में जरूर होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि दिया गया है सिलेंडरिकल या फिर इसे बेलनाकार लेंस भी कहते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष ये नहीं है, ये बिल्कुल बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है धुएं और कोहरा है किससे बनता है, बादल से, पाला से, धुंध से या फिर धूम कोहरा से। ये धुएं और कोहरा से बनता है, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप हमारे साथ डेली लाइव 8 बजे जुड़िए, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो कि लाइव में जुड़ते हैं, और यहाँ पर वोट करने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि हाँ सर लाइव क्लासेस कीजिए। जब हम क्लास बंद कर देते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट डाले रखते हैं कि सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, और क्लास लेते हैं तो आप सब जुड़ते नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से डेली रात 8 बजे क्लास लिया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया किडनी स्टोन यानी कि गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्सलेट का ये बना होता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है। ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया उबलता पानी, भाप, गर्म हवा या फिर सूर्य की किरणें। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर उबलता हुआ पानी पर क्लिक कर देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाप, ठीक है। भाप जो है वो आपको अधिक जलन पैदा करेगा, क्योंकि उसमें विशिष्ट गुप्त ऊष्मा होती है जिसके कारण वो अधिक जलन देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मेंशन किया गया इनमें से कौन सी भौतिक कि एक मौलिक मात्रक नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, मेंशन किया गया समय, लंबाई, वजन और भार। तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि जो आपका मौलिक मात्रक नहीं हो कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा वजन। वजन क्यों होगा, तो आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे कि समय, लंबाई और जो मान है ये आपको एक मौलिक मात्रक हैं, जो कि आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, जो कि बहुत ही ये कॉमन है, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान और समय ये जो होते हैं ये आपको मूल इकाई होते हैं, जो कि सही इसका राइट आंसर हो जाएगा वजन, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखने में कितना यहाँ पे इजी लग रहा है, लेकिन इजी क्वेश्चन है नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट भार पर क्लिक कर देंगे, लेकिन भार होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो आपको यहाँ पूछा गया है कि कौन वो भौतिक इकाइयाँ हैं, तो लंबाई, द्रव्यमान और समय ये आपको इसका होता है, लेकिन वजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया यूनानी विचारक अरस्तु ने
जीवों को सबसे पहले किस आधार पर वर्गीकृत किया था ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया भी था कि देखिए जो अरस्तु हैं इन्हें जीव विज्ञान का जनक या फिर पिता कहा जाता है। यहाँ पूछा गया है कि जो अरस्तु हैं किसके आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया था, तो ये आपको आवास के आधार पर किया गया था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, जो कि ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि मेंशन किया गया है। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगरपालिका को कब सम्मानित करके संवैधानिक मान्यता प्राप्त की थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 1992 में, ठीक है। 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि आप सभी कैंट याद करने हैं, जो कि आप सभी कैंट को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, किस फैसले के बाद भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी कैंट जानते हैं कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है जो कि दिल्ली में है, अगर वो फैसला कर देता है, वो निर्णय ले लेता है, तो फिर जितने भी न्यायालय हैं उनको ये बातें माननी पड़ती है। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा ये हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, जब एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन सा पदार्थ का उत्पादन होता है ये आपको बताना है। केवल ऑक्सीजन का, केवल कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर केवल जल का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल दोनों का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये हो जाएगा केवल कार्बन डाइऑक्साइड। और आप इसको समझना चाहते हैं तो आप रिएक्शन को माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, बारिश की बूंदें गोलाकार किसके वजह से होती है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो बारिश की बूंदें होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है ये आपको बताना है। तो आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि सबसे जो पहला मानसून आता है वो कहाँ पर आता है, किस राज्य में आता है, वो केरल में आता है, जो कि पश्चिमी घाट के मानसून के अंदर वो भी आता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो आप सभी कैंट को याद होगा और बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है, जो बिस्मिल्ला खां थे ये तबला बजाते थे, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न भी दिया गया था 2001 में, और लता मंगेशकर को भी 2001 में ही भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। इन दोनों बातों को आप बिल्कुल ही याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है ये आपको बताना है। तो जो आपको जोजिला दर्रा है ये आपको श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही अब मैं आपको बता दूं कि आपको दर्रों को भी अच्छे से पढ़ लेना होगा, क्योंकि यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है पंचवर्षीय योजना से है, और मैंने आपको बताया भी था कि देखिए पंचवर्षीय योजना को आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, और यहाँ बोला गया है कौन सा यहाँ पे सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ठीक है। जो यहाँ पर तीसरा योजना दिया गया है ये जो कि पूरी तरह से गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि देखिए जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बाद आपको सूखा पड़ गया था, और यहाँ पर जो सत्र यहाँ पे दिया गया ये बिल्कुल गलत है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो था 1961 से 66 के बीच, ठीक है, जो कि यहाँ पे 66 से 71 दिया गया, जो कि गलत है और हमको गलत ही बताना था। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही आप डेली लाइव 8 बजे रात्रि को हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप हमसे और कनेक्ट हो पाएँ। देखिए वीडियो तो बहुत सारे कैंडिडेट देखते हैं लेकिन लाइव नहीं आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइव आया कीजिए। साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए वाई फ्रेंड, जय हिंद।